हेलो फ्रेंड्स, मैंने रात में इन दो चीजों को मिलाकर खाया और मेरे पेट की चर्बी सुबह तक गायब हो गई। जी हाँ, आपको मैं बिल्कुल सही चीज बता रही हूँ। अगर आप लोग भी इन दो चीजों को मिलाकर खाएंगे तो आपके पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। आज आपकी ईशा आपके लिए फिर से एक ऐसा इजी वीडियो लेकर आई है, ऐसी ही रेमेडी लेकर आई है जिसको अगर आप पिए आप खाएं तो बहुत इजीली आपका वेट लूज हो जाएगा। इसको ना ही उबालने का झंझट है ना ही ग्राइंड करने का, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि सबका कितना बिजी शेड्यूल है। टाइम नहीं होता कि मसाले ग्राइंड करें फिर उसको खाएं या कोई चीज बॉइल करें उसे मिक्स करें फिर आप खाएं। ये रेडी टू ईट है, आपने एकदम से रेडी किया और उसको एकदम एज खा सकते हैं और आपके पेट की चर्बी बॉडी की चर्बी सब गायब हो जाएगी। अब इसको बनाना कैसे है और खाना कैसे है और किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आप इन सब जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं आपके स्क्रीन पर रेड बटन है उसको क्लिक करिए, उसके साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपकी ईशा की वीडियो की अपडेशन आपको डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में ही आप मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए ऐसी ही इजी रेमेडीज, एक्सरसाइजेस, डाइट प्लान सब लेकर आती रहूं। आप लोग भी खुश रहे, मुझे भी दिल से खुशी हो कि मैं किसी के लिए एटलीस्ट इतना एफर्ट्स करके जो वीडियो बनाती हूँ तो पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है आपको उसका, और साथ में अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ बहुत ज्यादा शेयर करें। तो चलिए जानते हैं वो दो चीजें क्या है जिनको पीने से आपके शरीर की चर्बी, आपके पेट की चर्बी सब गायब हो जाएगी और आप हैप्पी रहेंगे। तो वो दो चीजें हैं, पहली चीज है जीरा जो इजीली आपके घर में अवेलेबल होता है। ये जीरा है जिसको आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये नॉर्मल जीरा है, इसको मैंने भूना नहीं है, कुछ भी नहीं करा, ना ही ग्राइंड करा हुआ है, बहुत नॉर्मल जीरा है, इजीली अवेलेबल होता है हर किसी के घर में। जैसे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है ना जीरे से, वैसे ही आपके शरीर का फैट भी दूर हो जाएगा। ये हमारे खाने के स्वाद के साथ साथ हमारे हमें खुश भी रखेगी, अब से आपके लिए बहुत अच्छी और कारगर साबित होने वाला है जीरा। अभी तक आप सोचते होंगे कि सब्जी का टेस्ट बढ़ा सकता है, लेकिन अब आप ये जानेंगे कि आपके बॉडी का फैट कैसे कम कर सकता है। इसके साथ अब आप सोचोगे क्या करना है, जीरा खाना है? नहीं, आपको इसके साथ ऐड करना है हनी। आपको आधा चम्मच जीरा लेना है और एक चम्मच हनी। ये हनी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हनी आप ले सकते हैं, प्योर, जो भी आपको लगता है कि इस ब्रांड का प्योर होगा आपके लिए फायदेमंद होगा आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा आधा चम्मच और एक चम्मच हनी, आपको उसको मिक्स करके खा लेना है। अब आप सोचोगे इसके फायदे क्या है जीरे के, जीरा तो सब्जी में काम आता है या जीरे से कैसे पतली हो सकते हैं, तो अब आपकी ईशा को वो भी बताएगी कि जीरे के फायदे क्या हैं। फ्रेंड्स, आप जानते तो हैं कि जीरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें पेट्रोसेलेनिक एसिड पाया जाता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। डाइजेस्ट करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, और जो एसिड जो आपको बताया मैंने, पेट्रोसेलेनिक एसिड जो पाया जाता है, ये बहुत हेल्प करता है हमारे वेट लूज के लिए। ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही कारगर है। ये छोटा सा जीरा आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, आपका शरीर का फैट बिल्कुल गायब कर देगा। जी हाँ, अगर हमारा डाइजेशन पावर, फ्रेंड्स आप तो जानते हैं, अगर डाइजेशन पावर हमारा अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलेगी, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम खाना डाइजेस्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी में फैट कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम मोटे दिखने लगते हैं, भद्दे दिखने लगते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी, बहुत ही आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपके पास वाली दुकान पर मिल जाएगा, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने और बहुत चीज़ों को ऐड नहीं करना। जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, ऑफिस में, कहीं भी अवेलेबल हो, आप इजीली दिन में इसका सेवन कर सकते हैं। अब सेवन इसका कब करना है, यानी खाना कब है इसको, वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये साथ में हमें क्या क्या फ़ायदा करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देता है, हमारे अंदर एकदम ताकत देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप खुद चेक करेंगे, गूगल कर सकते हैं कि आप चेक करेंगे, इसमें बहुत सारे फायदे हैं, इतने फायदे कि मैं आपको सब बता भी नहीं पाऊंगी, लेकिन जितनी चीज़ें आपको मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत फायदेमंद है। आपके शरीर का वेट जो है बिल्कुल चला जाएगा, फैट जो एक्स्ट्रा है वो बिल्कुल कम कर देगा, और साथ में आपका डाइजेशन पावर अच्छा रहेगा, और आप ऑटोमेटिकली, अगर आपका वेट नहीं होगा ज्यादा, आप फिट रहेंगे तो आप खुश भी रहेंगे। साथ में इसमें जो ऐड करना है हनी, हनी भी बहुत अच्छा होता है, हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, हमारी स्किन ग्लो करता है, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन दोनों को मिक्स करके खाना है। अब बात आती है खाना कैसे और खाना कब है, इसका इस्तेमाल कब करना है, तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। आप इसका इस्तेमाल
आप सुबह खाली पेट करना है आपको। खाली पेट मतलब सबसे पहले आपको यही खाना है, आधा चम्मच जीरा और उसके बाद हनी। आपको सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप यही खाएंगे, उसके बाद आधे घंटे या एक घंटे बाद आप जो भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं वो कर सकते हैं। जो मिनिमम गैप है प्लीज 1 आवर मेंटेन करना, हाफ एन आवर भी कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंटली कहीं जाना है तो अपना उठने का टाइमिंग आप बना सकते हैं जल्दी, या खा के दोबारा सो सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाली पेट ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस का सेवन करना है, एटलीस्ट 1 मंथ तक खाइए, इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। इसको खाने के बाद आपको कोसा पानी पीना है। कोसा पानी, गुनगुना पानी, लुकवार्म वाटर जिसे आप बोलते हैं, वो आपको इसके ऊपर से पी लेना है ताकि इजीली आपके गले से नीचे उतर जाए। और साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो है समर्स है वो स्टार्ट हो गए हैं, आपको ठंडा पानी अवॉइड करना है फ्रिज का। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप इतना पीते आ रहे हैं अब तक तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं रह पाएंगे, थकान होती तो ठंडा पानी ऑटोमेटिकली पिया जाता है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे तभी तो पतले होंगे। तो कोशिश यही करिए कि आप दिन में जो है हल्का गुनगुना पानी अगर आप डेली पिए, ऑफिस में है तो ऑफिस में भी आप अपने जो आप पी सकते हैं, गुनगुना करवा सकते हैं, या आप फ्लास्क ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उसमें भी हल्का पानी गुनगुना रख सकते हैं, या दोनों को मिक्स करके पी सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि गुनगुना पूरा दिन अगर आप पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का वेट जो है ना वो वैसे ही कम हो जाएगा, जीरा तो उसके ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आप गुनगुना पानी पूरा दिन हैबिट बना लीजिए कि जब आपको प्यास लगे तो गुनगुना पानी पीना है। और साथ में आपको एक साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए, उससे हमारा बॉडी जो है पेट फूल जाता है। हमेशा हमें सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। एक दो केसेस में मान सकती हूँ कि जो बहुत प्यास है कंट्रोल नहीं तो हम एक साथ पी जाते हैं, मैं भी पी जाती हूँ, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना कि जब थोड़ा सा कम प्यास हो तो सिप सिप करके पिएंगे तो बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी और बहुत सारा पानी भी पिया जाएगा। जो आपकी एक रेशो होती है कि 8-9 लीटर या 10 लीटर हमें गर्मियों में पीना चाहिए एक दिन में, तो वो भी ईजिली कवर हो जाएगा। आप ध्यान है कुछ भी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, स्कूल में टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ते हैं, तो ईजिली पीते रहिए सिप सिप पानी और आपको पता भी नहीं चलेगा पूरे दिन में कितना सारा पानी पी गए। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, तो आप प्लीज मुझे देखिए। आपको 1 चम्मच हनी लेना है, आपको मैंने बताया था, उसके ऊपर 1/2 चम्मच आपको जीरा डाल लेना है। इसको फिंगर से मिक्स कर लीजिए अच्छे से प्रॉपर, ताकि आपको हनी का फ्लेवर भी आए, प्रॉपर जीरा आपको फीका नहीं लगे और आपसे इजीली खाया जाए, और दोनों की रेमेडी इफेक्टिव दोनों करेगा। आप खाली जीरा नहीं खाना है, आपको हनी के साथ ही खाना है, क्योंकि हनी भी वेट लूज में हेल्प करता है, साथ में हमारी स्किन और हेयर्स भी ग्लो करता है। आप इसको मिक्स करने के बाद इसको खा लीजिए, जिससे आप इजीली इसको आप आराम से पी, पानी के साथ भी आप पी सकते हैं। आपने 1 चम्मच पूरा खाया ये वाला और ऊपर से पानी पी लीजिए, तो फिर देखिए आपको इतना इजी भी रहेगा खाने में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा आपको जीरा, लेकिन आप ये सोच के मत खाइए कि टफ है, ये सोचिए कि कितना इफेक्टिव चीज़ है, कितना इफेक्ट कर रहा है आपका वेट लूज में, हेल्प कर रहा है, आप सुंदर दिखेंगे इसको खाने के बाद। तो ये तो आपके लिए बहुत ही मैजिकल है, तो इसको बहुत खुशी खुशी खाइए। वो गंदी गंदी दवाइयाँ भी तो खाते हैं, गंदे टेस्ट की, गंदे फ्लेवर्स की, जो मार्केट से डॉक्टर्स इतने सारे पैसे लेते हैं आपसे, वो भी तो खाते हैं। तो ये तो इतना सस्ती सी चीज़ है, इसको क्यों अवॉइड करें, जल्दी से स्टार्ट करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जब आप खाएंगे तो इसको आपको निगलना नहीं है पानी के साथ, आपको चबा चबा के ऊपर से पानी सिप सिप पीते रहना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, निकलेंगे तो असर नहीं करेगा, चबा चबा कर जितना खाएंगे उतना ही इफेक्टेड रहेगा। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए और फिट रहिए, स्माइल करते रहिए। आप मेरा वीडियो मॉर्निंग हो इवनिंग हो कभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ इसको स्टार्ट कर दें नेक्स्ट डे से ही, और 2 दिन और 1 दिन का गैप मत डालिए। जब देखें तो सोच के सोए कि ईशा ने जो बताया है, नेक्स्ट डे से हमें ये खाना है और पतले होकर रहना है, और उसको प्लस कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स बतानी है उसका क्या रिजल्ट रहा, तो प्लीज मुझसे शेयर करिएगा। साथ में मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुनगुना पानी पीजिए, बाहर का फ्राइड जंक फूड अवॉइड करेंगे, अच्छा सा डाइट प्लान लीजिए जो मैंने वीडियो बनाया डाइट प्लान का, और मेरी बताई हुई सारी एक्सरसाइज फॉलो करिए, तो आप जल्दी से पतले हो जाएंगे और खुश खुश रहेंगे। मेरा भी दिल से यही इच्छा है कि आप सब लोग जो मेरे को देख रहे हैं, मेरी फैमिली है, वो जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाए और मुझसे अपने प्यारे प्यारे कमेंट शेयर करें। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे को बहुत सारा लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, हाँ बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको आपकी ईशा की वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करें। तो आपकी ईशा जाती है और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आती है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।